रामनगरिया थाना इलाके में स्थित एक हेलमेट के गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपने आगोश में ले लिया, जिससे लाखों का माल जलकर खाक हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना पर पहुंची रामनगरिया थाना पुलिस ने आसपास के इलाके को खाली करवाया। वहीं फायर ब्रिगेड की करीब एक दर्जन से अधिक गाड़ियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन देखते ही देखते हवा के साथ तेजी से फैली आग ने गोदाम में रखे माल को चपेट में ले लिया। आग 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर आग पर काबू पाया गया। 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आखिर आग पर काबू पा लिया गया। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शॉर्ट सर्किट के चलते निकली चिंगारी से गोदाम में रखे माल में आग लगी। आग से गोदाम में रखा माल पूरी तरह जलकर नष्ट हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने बताया कि उन्हें लोगों से माफत रात 2:30 बजे आग की सूचना मिली, जिस पर सीतापुरा, जगतपुरा, मालवीय नगर, मानसरोवर से करीब एक दर्जन से अधिक गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, लेकिन आग कंट्रोल नहीं होने के कारण गाड़ियों ने कई फेरे भी किए। हालांकि इस दौरान कोई जनहानि नहीं हुई। फैक्ट्री में उस दौरान 2 मजदूर थे जो चौकीदारी का काम करते थे। उन्होंने बताया कि एकाएक फैक्ट्री से धुआं निकलने लगा, जिस पर काबू पाने के लिए फायर फाइटिंग सिस्टम का प्रयोग किया, लेकिन उससे आग कंट्रोल नहीं हुई, जिसके चलते पुलिस और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुलाया गया। नुकसान का आकलन किया जा रहा है। हालांकि बताया जा रहा है कि आग लगने से फैक्ट्री में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया।